हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू राहुल इंग्लिश स्टडी नाउ वी डिस्कस ओड टुडे तो फ्रेंड्स आज हम ओड डिस्कस करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स समय को न बेस्ट करते हुए शुरू करते हैं ओड एन ओड इज ए लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस ओड एक संबोधन गीत होता है डिग्निफाइड इन थीम फीलिंग स्टाइल एंड टोन जो विषय भावना और शैली और स्वर में प्रतिष्ठित है इन एशियंट ग्रीस यानी प्राचीन यूनान में इट संग बाय ए नंबर ऑफ पीपल पीपल इन पब्लिक ऑन सम इम्पॉर्टेंट ओकेशन प्राचीन यूनान में इसे कई लोगों द्वारा किसी महत्वपूर्ण अवसर पर सार्वजनिक रूप से गाया जाता है इट एक्सप्रेसिस द फीलिंग्स ऑफ ए होल नेशन और ट्राइब यह पूरे राष्ट्र या जनजात की भावनाओं को व्यक्त करता है ट्राइब मींस जातियों को तो यह पूरे राष्ट्र या जनजात की भावनाओं को व्यक्त करता है एक्सप्रेस करता है इट हैज थ्री मूवमेंट्स स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपोट इसमें थ्री मोवमेंट होते हैं इसमें थ्री मूवमेंट्स थ्री मूवमेंट्स हैं होते हैं नंबर मैंने है स्ट्रोफी यानी स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी एंड ई स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी एंड इपोर्ट तीन मोमेंट्स होते हैं द सिंगर्स कोरस मूव टू वन साइड ड्यूरिंग द इस्टोफ़ी और गायक यानि कोरस जो सिंगर्स होते हैं कोरस होते हैं वो स्ट्रोफी के दौरान यानी स्ट्रोफी में एक तरफ चले जाते हैं स्ट्रोफी के दौरान एक तरफ चले जाते हैं बैकवर्ड ड्यूरिंग द एंटी स्टो, एंटी स्टॉफ़ी और एंटी स्टॉफी के दौरान पीछे हो जाते हैं या पिछड़ जाते हैं एंड स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द ईपोर्ट और ईपोर्ट में और ईपोर्ट e के दौरान स्थिर रहते हैं दिस इज नोन एज पिंडारिक ओट इसे पिंडारिक ओट के नाम से जाना जाता है अदर टाइप ऑफ इज इस ओट और अन्य प्रकार की जो ओड होती है वो ओरिशियन और, ओड है द मॉडर्न ओड इज ए लिरिक विद ए हाई लेवल ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशंस आधुनिक ओड उस स्तर की भावनाओं और कल्पना के साथ एक गीत है सीरियस एंड सीरियस एंड इवन एग्जाल्टेड इन मूड एंड लैंग्वेज गंभीर और यहाँ तक कि की मनोदशा मनो और भाषा में भी ऊंचा है दस एन ऑड इज लिर भी हाई लेवल ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन इस प्रकार इस प्रकार एक कोड इज ए लिरिक विद ए हाई लेवल ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन तो इस प्रकार एक कोड उच्च स्तर की भावना और कल्पना के साथ एक गीत है सीरियस एंड इवन एग्जाल्टेड एलिवेटेड इन मूड एंड लैंग्वेज जो मूड और भाषा में गंभीर और यहाँ तक कि ऊंचा है या उन्नतशील है अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल्स ग्रेस फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स के लिए ग्रेस ग्रेस एग्जाम्पल्स के लिए ग्रेस प्रोग्रेस ऑफ फोजी एंड द वर्ड तो ग्रेस की ग्रे की प्रोग्रेस ऑफ दौजी एंड पौजी एंड द बार्ड नेक्स्ट सेकेंड है सेलिसू देस्ट विन से वेस्ट विन ओड ऑन इमिटेश इमोरटैलिटी एंड ओ टू ड्यूटी और वर्ड्स वर्ड्स का ओड ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इंटीमेशलिटी एंड ओ टू ड्यूटी और ओ टू ड्यूटी नेक्स्ट कीट्स कीट्स ओड ऑन ए ग्रेसियन कीट्स का कीट्स ऑन ए काट्स एंड और टू दू ए नाइटिंगल टैनिसंस टू वर्जिल टेनिसन का बर्जिल एंड और ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तो टेनिसन का टू बर्जिल एंड और ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कॉलरिस्कर कॉलरिस कॉलरिस डिजेक्शन एंड ओड और कॉलिस्ट का डिजेक्शन एंड ओड नेक्स्ट मिल्टन्स ओड ऑन ए नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट और मिल्टन का ओड ऑन द मिल्टन यानी मिल्टन का ओड ऑन दैट नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट एंड एंड कॉलिस् ओ टू इवनिंग और कॉलिंस का ओ टू इवनिंग तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फ़ार वॉचिंग द वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार